हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन सिनेमा बाय राहुल। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्हें हम एक आउटसाइडर के तौर पर जानते और देखते आए हैं। हम तो यही मानते हैं कि इन सभी एक्टर्स का कोई भी बॉलीवुड कनेक्शन नहीं है और ये अपने खुद के दम पर ही इतने बड़े स्टार्स बने हैं। मगर फ्रेंड्स, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। हर कोई शाहरुख खान नहीं होता। ऐसे बहुत से बिग एक्टर्स हैं जिनके कहीं ना कहीं इंडस्ट्री कनेक्शंस रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ये कहा और माना जाता है कि वो टोटली आउटसाइडर्स हैं, बट एक्चुअल में वो कम्प्लीटली आउटसाइडर्स नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कियारा आडवाणी। शायद ही आपको पता होगा कि कियारा के बॉलीवुड में आने से पहले ही उनके बॉलीवुड कनेक्शंस थे। सब तो यही समझते आए हैं कि कियारा टोटली आउटसाइडर हैं, पर ऐसा नहीं है। 2014 में फगली से डेब्यू करने वाली कियारा पहले से ही जूही चावला, सलमान खान और अक्षय कुमार के काफी क्लोज थी। जूही चावला कियारा की फैमिली फ्रेंड है और इस ट्वीट से ये साफ पता चलता है कि बॉलीवुड कनेक्शंस कितने हेल्पफुल साबित होते हैं। कियारा को सिर्फ एक इस ट्वीट ने ही हेल्प नहीं किया। इनफैक्ट अक्षय कुमार ने ही फगली को प्रोड्यूस किया था और फगली के टाइटल ट्रैक में हम कियारा, अक्षय और सलमान को एक साथ देखते हैं। यही नहीं, कियारा ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि सलमान ने ही कियारा को अपना नाम आलिया से कियारा करने का सजेशन दिया था। तो भाई, कियारा एक आउटसाइडर कैसे हुई? अमृता राव। अमृता को हमने कई बिग फिल्म्स में बिग एक्टर्स के अगेंस्ट देखा है, पर बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा कनेक्शन होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली अमृता उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई जहां उनके साथ की बाकी एक्ट्रेसेस पहुंची। अमृता लेजेंडरी एक्टर और फिल्म मेकर गुरुदत्त साहब से रिलेटेड है। अमृता के ग्रैंड फादर और गुरुदत्त साहब सेकेंड कजन्स ब्रदर थे। अमृता वंस सेड कि बचपन से ही गुरुदत्त साहब की परफॉर्मेंसेस देखकर ही उन्हें एक्ट्रेस बनने की इंस्पिरेशन मिली, पर एक शॉकिंग सच्चाई यह भी है कि अमृता को एक्ट्रेस बनने के काफी टाइम बाद अपनी ग्रैंड मदर से इस रिलेशन के बारे में पता चला और अमृता ये जानकर शॉक्ड रह गई कि उनकी इंस्पिरेशन एक्चुअल में उनसे रिलेटेड है। अदिति राव हैदरी। यस, अदिति भी एक आउटसाइडर नहीं है। अदिति को हम ना सिर्फ बॉलीवुड फिल्म्स में बल्कि कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म्स में भी देखते आए हैं। मगर बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि अदिति आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की फर्स्ट कजन है। दिस इज अ फैक्ट कि अदिति ने इंडस्ट्री में अपनी जगह खुद बनाई है, पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री कनेक्शंस एक एडवांटेज तो होते ही है। बोथ अदिति एंड किरण बिलोंग्स टू द रॉयल वनापार्थी फैमिली ऑफ तेलंगाना और दोनों को आज भी कई लोग प्रिंसेस अदिति और प्रिंसेस किरण कहकर बुलाते हैं। रणवीर सिंह। रणवीर के बारे में शुरू से ही यह कहा जाता है कि वो टोटली आउटसाइडर हैं और वो आज जहां पहुंचे हैं वो बिना किसी बॉलीवुड कनेक्शन की हेल्प से पहुंचे हैं। यह बात तो सच है कि रणवीर एक एक सीढ़ी चढ़कर आज बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, पर यह भी सच है कि रणवीर कपूर फैमिली से कनेक्टेड है। रणवीर सोनम कपूर के डिस्टेंट कजन है। शॉकिंग बट इट्स ट्रू। रणवीर की मदर अंजू भावनानी अनिल कपूर की वाइफ सुनीता भावनानी कपूर की फर्स्ट कजन है। पता नहीं क्यों कुछ एक्टर्स अपने फैमिली लिंक्स को छुपाते हैं, शायद इसलिए कि उनका फिल्मी स्ट्रगल ज्यादा रियलिस्टिक लगे। गोविंदा। 38 साल में 165 से भी ज्यादा फिल्म्स में परफॉर्म कर चुके गोविंदा को आज भी लोग एक आउटसाइडर के तौर पर ही जानते हैं, पर यह भी सच नहीं है। गोविंदा दो बहुत ही पॉपुलर एक्टर्स से रिलेटेड है। गोविंदा 1940s के जाने माने एक्टर और फिल्म मेकर अरुण कुमार आहूजा और 1940s की ही जानी मानी एक्ट्रेस और सिंगर निर्मला देवी बॉर्न एज नजीम इन अ मुस्लिम फैमिली के बेटे हैं। हालांकि गोविंदा के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि गोविंदा एक्टिंग फील्ड में आए, पर एट लास्ट समहाउ गोविंदा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ही लिया एंड द रेस्ट एज वी ऑल नो इज हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, इट्स अ रैप फॉर टुडे। For more interesting videos, keep watching Indian Cinema by Rahul.